क्योंकि अन्न से प्राणों का संबंध है, पर अन्न से अधिक प्राणों का संबंध जल से है, और जल से अधिक प्राणों का संबंध वायु से, हवा से है। बिना रोटी के आप 2, 10 साल, 20 साल जी लेंगे? फल खा लो, फल में रस यानी पानी होता है, पानी के बगैर भी आप 4 दिन, 2-4 दिन जी लेंगे, पर बिना श्वास के आप 1-2 मिनट से ज्यादा जी सकते नहीं है। इसीलिए हवा प्राणों के लिए सबसे जरूरी है, हवा के बाद पानी जरूरी है, और पानी के बाद अन्न जरूरी है। पानी को पी करके भी पूर्ति कर सकते हैं, पानी को फलों में खा के भी पूर्ति कर सकते हैं, पानी को पत्तियां तोड़ के चबा के पूर्ति कर सकते हैं, पेड़ की छाल काट के चबा के पूर्ति कर सकते हैं, जड़ उखाड़ के चबा के पूर्ति कर सकते हैं। पानी की अनेक प्रकार से पूर्ति होती है, केवल पानी पीना ही आवश्यक नहीं है, पानी शरीर में जाए उसके लिए अनेक उपाय, अनेक साधन है महाराज। 200 ग्राम अंगूर खा लो, 3 लीटर पानी के बराबर शक्ति देता है। आधा तरबूजा खा लो, 5 लीटर पानी की पूर्ति करता है। 5 लीटर पानी पियोगे और तरबूजा खा लो आधा किलो, इतनी पूर्ति कर देता है, ग्लूकोज से लेकर के हर चीज की बॉडी को भर देता है। तो मेरे परमात्मा ने मनुष्य तेरे लिए न जाने क्या क्या रचना की है, तेरे कल्याण और तेरे सुख के लिए। उसके बाद भी अंडा खा ले, मांस खा ले, तम्बाकू खा ले, दारू पी ले, ये सब भक्कन भी कर लेता है। इतना सारा माहौल अच्छा अच्छा बनाया, आज राजा की मति ऐसी हो गई तो राजा अब पछता रहे, पानी मिलता नहीं और कोई दिखता नहीं जंगल में, राजा अकेले पड़ गए। क्यों पड़ गए अकेले? क्योंकि पाप जो है वो एक दिन व्यक्ति को अकेला कर देता है। शिव कथा में आप कथा सुनते हो, शिव पुराण की, उसकी महिमा सुनाते समय बिंदुक ब्राह्मण चंचुला की कथा, देवराज ब्राह्मण की कथा, ये अकेले पड़ गए क्योंकि ये बहुत पाप करते थे। इनके साथी संगी सभी छोड़ छोड़ कर चले गए, अकेला आदमी हो जाता है पाप के कारण। इसलिए जिन्होंने पाप जिंदगी में किया है वो अकेला रो रो के, परेशान हो के मृत्यु को प्राप्त होता है बुढ़ापे में। जिनके पास पुण्य है, स्वभाव से सत्कर्म है, वो तो बुढ़ापे में भी इधर दो बैठे हैं, उधर दो बैठे हैं, इधर आ रहे हैं 4, इधर जा रहे हैं 4, बतरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, ऐसा जीवन बुढ़ापे का बीते तो समझ लेना तुमने खूब पुण्य किया है, जो तुम्हें बुढ़ापे में अकेलापन नहीं सता रहा है। नहीं तो बुढ़ापा तो अकेलेपन के लिए ही आता है। स्वयं की पत्नी भी पति को बोल देती है बुढ़ापे में, तुम्हें शर्म नहीं आती जो तुम मुझसे पानी पी रहे हो? ये नाती पोती क्या बोलेंगे? समय के साथ में सबका भाव विचार बदल जाता है। परीक्षित जब अकेले हो गए, कोई नहीं, तो परीक्षित को नजर पड़ा, चंद्रमा उदय हुआ, चंद्रमा की चांदनी से दूर से कुटिया चमकी, परीक्षित वहां पहुंचे। परीक्षित जी ने महात्मा जी को देखा, कुटिया में बैठे ध्यान कर रहे, आवाज दी, महात्मा मेरे राज्य में रहते हो? मैं राजा परीक्षित हस्तनापुर नरेश, प्यास लगी है, पानी पिलाओ, नहीं तो मेरे प्राण चले जाएंगे। राजा भजन में थे, माफ करना, ऋषि भजन में थे, इसीलिए राजा की बात उनके कान में नहीं पड़ी, क्योंकि उनके कान में मिट्टी आ गई थी, दीमक आ गई थी, दुर्वा घास भी उग आई थी, हजारों वर्षों से बैठ के साधना तप सत कर रहे थे। राजा को लगा कि मेरे राज्य में रहकर मेरे राज्य का साधु राजा को प्यास लगने पर पानी तक नहीं पिला सकता, तो ये साधु किस काम का है? क्योंकि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से राजा के मन में आया कि पानी जैसी चीज ये महात्मा पिला नहीं रहा, ये काय का महात्मा, जब ये सेवा नहीं कर सकता संकट में किसी जीव की, तो काय का महात्मा, काय का साधु। राजा ने निश्चय कर लिया ये सम्मान के योग्य नहीं है। मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, राजा ने उठा करके महात्मा के गले में डाल दिया। बंधु, जैसे ही महात्मा के गले में मरा हुआ सर्प डाला, अचानक से धरती हिलने लग गई, भूकंप आने लग गए, भूचाल,
वायु तूफान बादल गरजने लगे, बिजलियां तड़कने लगी और बादल फट गए, बाढ़ आ गई। जो महात्मा बैठे थे जिनके गले में सांप पड़ा, उनके पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ध्यान कर रहे थे, उन्हें अचानक समझ में आया बिना मौसम की बाढ़, बिना मौसम की बिजली, बिना मौसम की ये सब क्यों। ध्यान किया, कोई पाप हुआ है, घिनौना अपराध हुआ है, अक्षम्य पाप हुआ है। क्या पाप हुआ है? एक राजा ने अभिमान अहंकार स्वार्थ में आके एक साधु का अपमान किया है। ये साधु के अपमान का परिणाम क्या होगा बाद में, ये तो जब परिणाम आएंगे तब समझ में आएगा। अब राजा दुहाई मारने लगे, बचाओ, मैंने गलती कर दी, बचाओ, नहीं पानी मिला तो मैं मर जाऊंगा। राजा को श्राप लगा तो महाराज राजा दक रह गए, राजा गिर पड़े धरती पर, मूर्छित हो गए राजा, मुकुट उतर के गिर पड़ा। जैसे ही मुकुट गिरा राजा का, राजा को होश आया, कलयुग चला गया राजा को छोड़कर। ये है कलयुग के मित्रों का संग, संकट आने पर वो जरूर जरूर साथ ही छोड़ेंगे। जब से कलयुग राजा को पकड़ के घूम रहा था, संकट आया राजा को छोड़ के चला गया, अब राजा को होश आया। ऐसे समय में कौन मेरा कौन पराया, राजा के श्राप की बात सुनकर के सारी प्रजा दौड़ आई, सारे महात्मा सब दौड़ आए, सबने राजा का कुशल मंगल जाना, सुकल पूछा। राजा ने कहा मेरे प्राण बचा लो, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया है, वो कभी झूठा नहीं होगा। महात्मा संत कहने लगे, महाराज हे परीक्षित, इस दुनिया में कोई नहीं है जो श्रृंगी ऋषि के श्राप से तुम्हें मुक्त कर सके, हम महात्मा भी नहीं, केवल और केवल भगवत शरण ही जाओ। राजा परीक्षित को जब होश आया तो पूरा ही होश आया महाराज, और होश आते ही राजा परीक्षित को अपने बचपन में जो ज्ञान उनकी माता दादियों ने दिया था, हे पुत्र तुम्हें भगवान कृष्ण की कृपा से जन्म मिला है, और कभी संकट आ जाए तो केवल द्वारका नाथ को ही भज लेना, अड़ोसी पड़ोसी को मत रटना। राजा भगवान द्वारकाधीश को रो रो करके स्मरण करने लगे, हे प्रभु, हे द्वारका नाथ, हे कृपालु, मेरी रक्षा करो। भगवान को जैसे ही पुकारा राजा के संकेत आ गए। कुछ महात्माओं ने कहा, राजन अगर जीवन चाहिए तो गंगा के तट पर भगवान श्री सुखदेव जी आकर बैठे हैं, जाओ उनकी शरणागति चले जाओ, वही महात्मा एक ऐसे हैं जो तुम्हें तार सकते हैं, उबार सकते हैं। महात्मा के बगैर संसार में तुम्हें इस पाप से कोई उपार नहीं सकता। बंधुओं, एक महात्मा का अपराध राजा लेकर के दूसरे महात्मा के पास में मदद मांगने जा रहा है, पर राजा किस हिम्मत से जाएगा। राजा को हिम्मत यह है कि राजा ने अपना राज्य पाठ सब छोड़ दिया, आओ भैया मनीष, सब त्याग दिया, कुछ रहने गया राजा के पास। राजा ने अपना परिवार त्याग दिया, धन कुबेर खजाना त्याग दिया। राजा ने यह निश्चय कर लिया कि मैंने अपराध किया है तो उस अपराध के लिए मुझे जो भी प्रायश्चित करना पड़ेगा वो प्रायश्चित मैं करूंगा, और मुझे जो दंड मिलेगा वो दंड भी मैं स्वीकार करूंगा, पर मुझे मृत्यु से पहले ये जो संत का कलंक मुझे लगा है वो कलंक मेरा छूट जाना चाहिए। राजा प्रभु का गीत गाते गाते गंगा तट पर श्री सुखदेव जी की शरणागति चले गए महाराज। और कहते हैं चाहे कोई कितना भी पापी हो, दुश्मन हो, जब वो संत की शरणागति आता है तो सच्चे संत उसे माफ करके अपने हृदय से लगा लेते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। आज राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी ने अपने चरणों से लगा लिया। राजा परीक्षित ने भी प्रणाम किया। राजा ने अपनी सारी व्यथा सुनाई, सारे दुख सुनाए, अर्थात जिस महात्मा को गुरु मान लिया है उस महात्मा से कोई भी जीवन में अपना भेद मत छुपाओ, डॉक्टर से वैद्य से रोग मत छुपाओ, और गुरुदेव से भेद मत करो, भेद मत छुपाओ, नहीं तो कभी भी कल्याण नहीं होगा, कभी रोग निवृत्त नहीं होगा, कभी भोग निवृत्त नहीं होगा, ये हमेशा बना रहेगा।
राजा ईमानदार थे, उन्होंने अपना अपराध बता दिया, गुरुदेव मेरा महान अपराध हुआ, मैंने श्रृंगी ऋषि के पिता शमक ऋषि के गले में सांप डालकर उनका अपमान किया है, स्वार्थ बस, पानी की प्यास लग रही थी, राजा को पानी न पिलाया, मेरा क्रोध अविवेक हो गया, मुझे अपनी शरणागति लेकर मुझे संत के श्राप से मुक्त कर दीजिए। राजा परीक्षित को भगवान श्री सुखदेव जी ने पावन मंत्र दिया और अपना शिष्य बना करके राजा को परम कथा सुनाने के लिए बैठ गए श्री सुखदेव जी। राजा को मार्ग दिखाया, केवल एक ही मार्ग है राजन तुम्हारे जीवन में, और वो मार्ग यह है कि केवल हरि चर्चा, हरि भजन करो, अंतरात्मा से भजन करो, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से श्रवण करो परमात्मा को, अंदर और बाहर दोनों तरफ से जब लोहे की छड़ी को आग पकड़ती है तो सारी काई जल करके लोहे का रंग आग जैसा हो जाता है। राजन जब अंदर बाहर दोनों तरफ से तुम प्रभु के हो जाओगे तो फिर सारा दोष निकल जाएगा, सारा कलंक निकल जाएगा, फिर तुम्हारे ऊपर कोई कलंक नहीं रह जाएगा, क्योंकि तुम स्वरूप में सो अहम ब्रह्मस्मि, तुम्हारा ही स्वरूप ब्रह्म स्वरूप हो जाएगा। तुम पहले अंदर बाहर से पूरे के पूरे भगवत चर्चा को धारण कर लो, यही आवश्यक है, जरूरी सबको यही है। आप पाल में धर के आम पका लो, वो मीठा नहीं होता, उसमें खुशबू नहीं आती। आप पाल में धर के खरबूजा पका लो, ऊपर से पीला पीला हो जाएगा पर खरबूजा अंदर से कच्चा ही निकलेगा, अर्थात उसमें खुशबू नहीं पैदा होगी खरबूजे में। खरबूजा बेल पे पकता है तो अंदर से पहले पकता है, बाद बाहर में पीलापन आता है। आम पेड़ पे पकता है तो पहले अंदर पकता है, बाद में पीलापन आता है। आप देख लेना महाराज, आपके शरीर में बुढ़ापा अगर आता है तो पहले अंदर आता है और बाद में बाहर दिखाई देता है। बुढ़ापा कभी बाहर नहीं आता किसी को, पहले अंदर 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 मारता रहता है, बाद में सफेद होंगे बाल, दांत कमजोर पड़ेंगे, घुटना, पैर, कमर, ये दिखावा बाहर। पहले अंदर से बुढ़ापा मारता है, सारी शक्तियां अंदर खत्म हो जाती हैं, लीवर की, किडनी की, फेफड़ों की, ब्रेन की। आदमी को उठने का मन नहीं करता, सुबह उठने के बाद में कमजोरी लगती है, समझ लो बुढ़ापा आ गया। उठने के बाद व्यायाम करने की इच्छा ना होवे, समझ लो बुढ़ापा आ गया। मेरा काम कोई और कर ले ये बुद्धि करे तो समझ लो बुढ़ापा आ गया। अपने काम को दूसरों पर थोपने वाले आदमी के ऊपर बुढ़ापा आ चुका होता है, इसलिए वो काम से भागता रहता है, परिश्रम से भागता रहता है। भक्ति के बच्चे तो बचपन में ही बूढ़े हो गए थे, पांचवी कक्षा से पहले स्कूलों में काम करना भी सिखाया जाता था, और अब काम करना सजा है, टीचर को सजा है, अब काम करवाया तो, झाड़ू भी लगवाया तो, एक पेड़ के पौधे को भी उखड़वा के लगवा दिया, वीडियो बना दिया तो सजा मिलती है, नौकरी चली जाती है। ऐसा घोर कलयुग आ गया है। अब बोलो, जब काम करना बच्चे को न घर पे सिखाया न कॉलेज में सिखाया तो वो काम कब करेगा, पुरुषार्थ कब करेगा, मेहनत कब करेगा, वो जहां रहेगा वहां पर वो हराम की ढूंढेगा, कैसे भी मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए। इसीलिए पुरुषार्थी बालक होना चाहिए। तुम क्या कर रहे हो, पढ़ने जाता है, पढ़ने जाती है, पढ़ने जाता है, पढ़ने जाती है, बस पढ़ने के चक्कर में काम धाम कुछ नहीं, और धीरे धीरे वह अंदर से बूढ़ा हो जाता है, फिर काम होता नहीं और राम लेता नहीं। काम होता नहीं और राम लेता नहीं, जीना तो पड़ेगा, चाहे कैसे भी जी लो। इसीलिए महात्मा इंद्रदेव की दो पंक्तियां गुनगुना करके फिर आगे की कथा थोड़ी बची है तो उसको सुनाएंगे। कर्म की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया, मोह माया में अंधा होकर पाप से नाता जोड़ लिया। कर्म की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया।
कर्म की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। मोह माया में अंधा होकर, मोह माया में अंधा होकर, पाप से नाता जोड़ दिया। कर्म की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। कर्म की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का कर आया झूठे धंधे प्रभु के दर्शन पाने को। तज कर आया झूठे धंधे प्रभु के दर्शन पाने को। पर पग तेरे नहीं उठते हैं प्रभु के दर तक जाने को। पर पग तेरे प्रभु भक्ति को दिल से भुला कर, प्रभु भक्ति को दिल से भुला कर, सच्चा रास्ता छोड़ दिया। कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। नाता जोड़ लिया। कर्म की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। कर्म की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। दौलत तूने करी इकट्ठी, संग तेरे ना जाएगी। धन दौलत तूने करी इकट्ठी, संग तेरे ना जाएगी। कंचन काया एक समय पर मिट्टी में मिल जाएगी। कंचन काया एक समय पर को दिल से भुला कर, प्रभु भक्ति को दिल से भुला कर, सच्चा रास्ता छोड़ दिया। मोह माया में फंस कर बंदे पाप से नाता जोड़ दिया। मोह माया में फंस कर बंदे पाप से नाता जोड़ दिया। मोह माया में फंस कर बंदे पाप से नाता कर्मों की जंजीर न तोड़ी, कर्मों की जंजीर न तोड़ी, प्यार प्रभु का तोड़ दिया। प्यार प्रभु का तोड़ दिया, प्यार प्रभु का सच्चे दरबार की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। परीक्षित महाराज ने अपने दुख दर्द सब गुरुदेव को बता दिए। कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए भी एक कर्म ही किया जाता है। अरे बंधुओं,
अच्छा चाबी खो जाए तो ताला तोड़ने के लिए किसका उपयोग होता है? लोहे का, यानी कि हथौड़े का। और ताला किससे बना था? हथौड़े से। इसीलिए कहावत बनी है कि लोहे को लोहा काटता है। तो कर्म को भी कर्म ही काटेगा। बस यह है कि जिस कर्म का लाभ तुम्हें मिलने वाला है वही कर्म निष्काम होकर के करोगे तो निष्काम का जो कर्म है वो सकाम कर्म के सब फलों को काट देगा और आपको निश्चल भगवान का बनाता है, बना देगा। त्वया दोषम प्रवृत्ति च पापम भागम क्षमागम्यम यद पुरुषाः। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को अपनी शरणागति लेकर के जब प्रश्न पूछे तो राजा ने यह पूछा, गुरुदेव मेरा जो पाप मार्ग है, जो मुझसे अपराध हुआ है, संत का मैंने अपमान किया है, जो मुझे महापातक लगा है, वो कैसे छूटेगा? तो भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, चिंता न करो, दुनिया में आए हो, पाप होगा, पाप छूटेगा भी, जो लग गया है वो नहीं छूटे ऐसा नहीं होगा, पर उसका प्रायश्चित करो। और प्रायश्चित यह है कि गुरु शरणागति बैठ करके भागवत जी का श्रवण करो और भगवान का स्मरण करो। श्रवण स्मरण दोनों साथ चलना चाहिए तो फिर आपके सभी पातक जो लगे हैं वो धीरे धीरे भस्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी पहचान जैसे पौधा जमीन में से निकलते समय दिखाई नहीं देता, धीरे 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 वो दूर से भी दिखने लगता है, क्योंकि उसकी शाखाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो धरती माता ने उसे स्वीकार कर लिया। ऐसे ही धर्मात्मा परमात्मा जब जीव को स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी भी शाखाएं बढ़ती हैं और वो दूर से ही चमकती हैं, रंगीली हरीली दिखती है। माला परमात्मा तुम सबको शाखा बना दे, तुम सबके जीवन को प्रभु मजबूत धरती से जोड़ दे, धर्म से जोड़ दे, पाताल तक तुम्हारा पुण्य चला जाए। मैं तो यही चाहूंगा कि आप दिन रात पुण्य करें, शुभ कर्म करें, सत्कर्म करें, निष्काम कर्म करें, क्योंकि कर्म ही कर्म को काटेगा। इसीलिए मैंने ये पंक्ति बहुत दिनों के बाद गुनगुनाई, कर्मों की जंजीर ने तोड़ी, प्रेम प्रभु का तोड़ दिया, मोह माया में फंसकर बंदे पाप से नाता जोड़ लिया। भगवान के सामने भी लोग पाप कर लेते हैं, मंदिर में भी सामने ठाकुर जी हैं और वहीं पाप हो रहा है। भक्त कैसे भूल जाता है कि मैं कहां खड़ा हूं? चलो मंदिर में नहीं, जगह जगह कण कण में भगवान है, जहां तुम हो वहीं भगवान है, तुम में चारों तरफ भगवान बसा हुआ है, तो कैसे अपराध, कैसे पाप, कैसे गलत काम करने की बुद्धि आती है, कैसे किसी को दुखी करने की बुद्धि आती है? क्योंकि परमात्मा पर ये संस्कार, ये बुद्धि कुत्सित हो गई है, कलयुगी हो गई है, कलंकित हो गई है, और इसी में इसे खुशी मिलती है और वही वही करवा रही है, नचा रही है तुम सबको। राजा को भगवान ने साधन बताया, सुखदेव जी ने, क्या साधन है? मेरी भक्ति करो, संतों का अपराध किया है तो संतों की ही सेवा करो। तो राजा सुखदेव जी की सेवा में लग गए।